परेशान होकर के घर आए 3-4.30 बजे। फोन आया पुलिस कर्मचारी का, आपका बच्चा वहाँ पर है ऐर खुदाना जंगल में। अब हम तो ये चाह जी हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव में हमारे परिवार के बारे में कुछ भी पूछ लो। बड़ा ब्लैकमेल किया उसको, अब हमने यही नहीं महसूस करा किस मामले में किया। पानीपत के चिचड़ाना गांव के रहने वाले 40 साल के व्यक्ति का शव साथ लगते गांव अलूपुर के जंगलों में मिला है। मृतक की पहचान विजय के रूप में हुई है, वो गांव सुताना के डाकघर में कार्यरत था। विजय के शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने गांव के सरपंच पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौके से सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को सिविल अस्पताल भिजवाया गया था। मृतक के पिता जगदीश ने बताया कि उनका बेटा विजय 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और वो सुताना के डाकघर में कच्चे कर्मचारियों के तौर पर नौकरी करता था। 25 अक्टूबर को वो ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। करीब 11 बजे डाकघर से फोन आया कि विजय ड्यूटी पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चल पाया। फोन पर भी कोई जवाब नहीं मिला। देर शाम इवनिंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति ने सड़क किनारे बाइक को लावारिस हालत में खड़े देखा। अनहोनी की आशंका पर व्यक्ति ने जब साथ लगते जंगलों के अंदर जाकर देखा तो वहां विजय का शव पड़ा था। उसके पास मोबाइल और एक सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था। मेरा लड़का शाखा डाकघर सुताना में सर्विस करता है, डाकघर में BPM के पद पर ठीक ठाक काफ़ी दिनों से वो था। अभी एक हमारे उसने क्या नाम अनिल गांव छिछड़ाना ने उसको न जाने क्यों किस ढंग से ब्लैकमेल करके उसका सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। तो जो सुसाइड नोट है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? उसमें डिटेल में लिखा है, हम आपको दे देंगे। उसमें उसने कहा है कि मेरे को पैसे जो हैं ज़बरदस्ती देने के लिए मजबूर करता था। हमने कोई पैसा लेना देना नहीं उसके साथ, घर में सब कृपा है ठीक। तो उसने बताया नहीं हमारे को, लड़के ने, अगर शुरू में बता देता या उसे सरपंच का पता चल उसका पता चल जाता कि भाई तू क्या कर रहा है बच्चे के, हम दोनों को खींच देते, मना कर देते। तो अभी कुछ दिन से घरवाली उसकी, उसने कहा कि पापा कई एक वो अनिल है वो कई बार आ गया घर पे, नहीं रहा विजय कहाँ है, बात क्या है, वो पूछती कुछ नहीं बताया, बोले नहीं काम था उनसे। उसके बाद फिर कई बार फिर आया, फिर उसने घरवाले से पूछा बात क्या है, बोले कुछ नहीं मेरे को वो कर रखा है। बोले क्या कर रखा है? खाना पीना छोड़ दिया, वो कर दिया, टेंशन में तो प्रेशराइज कर रखा, बात के है तो फिर बता, पापा ने भेजूंगी। उसके बाद फिर कुछ नहीं बताया, वो गोलमोल रहेगी बात। मैंने भी एक बार दुकान पे सरपंच अचानक मिल गया, नाई की दुकान है साथ में ही, तो मैंने कहा अरे क्या हाल है सरपंच जी, क्या कर रहे हो? बोला नहीं जी कुछ नहीं, वहाँ बतला रहे थे, क्या बात है? विजय भी वहीं था। बोला ऐसे ही था, काम था कुछ। मगर फिर भी काम क्या था, मैं भी पूछ रहा हूँ, बाप हूँ तो बताओ। बोला नहीं नहीं ऐसे ही था, वो तो आपका कोई मामला नहीं। मैं कह रहा भाई बताना, चलो वो फिर गोलमोल कर दी। तो मुझे डाउट होया, फिर मगर पता नहीं क्या है। तो करते करते हमें पता ही नहीं चला, ये नौबत आएगी। सुसाइड नोट में लिखा है कि गांव का सरपंच उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो ब्लैकमेल कर उससे करीब 40 लाख रुपए ले चुका है। वो पैसा लोगों ने डाक खाने में जमा कराने के लिए उसे दिया था, लेकिन ब्लैकमेल कर उससे रुपए ले लिए गए। उसकी मौत का कारण गांव का सरपंच है, अगर परिवार को भी कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार भी सरपंच ही होगा। ये सुसाइड नोट किसी को भी मिले तो वो मेरे परिवार तक पहुंचा देना, ऐसा सुसाइड नोट में लिखा गया है। बच्चा 25 तारीख को ड्यूटी पे गया 9 बजे और दोपहर बाद उसका फोन बंद हो गया। शाम को आने के टाइम हमने बार बार फ़ोन करी, आया ही नहीं। जैसे अपने लेवल पर रिश्तेदारों में पूछा, आया ही नहीं। मगर ये तो हालत ख़राब कर दी हमारी। उसके बाद फिर
जैसे कैसे सुबह हुई मारी, खाया नहीं पिया नहीं सब कुछ बुरा हाल। 26 तारीख को मैं भी भाग गया घरवाली को लेके, सुताना पोस्ट ऑफिस पहुंचा, थर्मल पोस्ट ऑफिस पहुंचा, एचओ पानीपत में पहुंचा, कहीं आता पता नहीं लगा। परेशान होकर के घर आए 3-4:30 बजे, फोन आया पुलिस कर्मचारी का, आपका बच्चा वहाँ पर है ऐर खुदाना जंगल में। आगे करे देखे हमारा बच्चा है, शिनाख्त हुई, आगे सारी पुलिस की रिपोर्ट हुई, पुलिस ने किया जो कुछ किया। अब हम तो ये चाह जी हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव में हमारे परिवार के बारे में कुछ भी पूछ लो। किस लिए ब्लैकमेल करता था, किस चीज़ के पैसे मांगता था? ये तो अब यही तो नहीं पता, ब्लैकमेल किया उसको, अब हमने यही नहीं महसूस करा किस मामले में किया, और उसको कोई लेना देना नहीं पर्सनली। अच्छा तो उसको अब ब्लैकमेल की पैसे कैसे दिए, सीधी सी बात है पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में तो था ही, उसने दबाव दे करके एक आध कापी कुछ दिन या कैसे क्या। क्या नाम है सरपंच का और मौजूदा है वो सरपंच करवाली मौजूदा करवाली सरपंच है, और क्या नाम वो खुद अनिल वैसे ठेकेदार है कोई ऐसे ही है जो भी जनरली हमने क्या क्या पता। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो आपसे अपील इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।